दोस्तों बात कर रहे जो टिकटॉक है ना, जिसके ऊपर अभी इंडिया में बैन लगा था अराउंड लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर, और अभी तक इंडिया में बैन लगा हुआ है, उसे कोई यूज कर नहीं सकता, तो हो सकता है शायद से बैन आपको हटता हुआ देखने को मिल जाए। इसकी कुछ चीजें हो गई है, चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आखिर पीछे जो टिकटॉक की जो कहानी है ना, आज के समय में एग्जैक्टली क्या चल रही है, क्योंकि आज देखा है तो काफी बड़ी बड़ी खबरें आई टिकटॉक से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कमाल की वीडियो देखने हैं तो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ कि इंडिया एक पहली कंट्री बनी थी जहां पे इंडिया में आपको टिकटॉक के ऊपर बैन देखने को मिला था, काफी अच्छी बात है। उस समय रीजन यही दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है, और सिमिलर जब पबजी बैन हुआ था ना तो उसके पीछे भी रही रीजन दिया गया। अब इसके पीछे का लॉजिक ये था कि पबजी जो है वो टेंसेंट ओन करती थी पबजी मोबाइल को, और टेंसेंट इसको कंट्रोल करती थी, और टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। सिमिलर टिकटॉक के साथ था, टिकटॉक को बाइटडांस ओन करती है और बाइटडांस एक और चाइनीज कंपनी है। जी हां, अब देखा जाए तो रिसेंटली काफी सारे चेंजेस यहां पे देखने को मिले। सबसे पहला चेंज तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है कि जो टिकटॉक है ना वो इसके ऊपर यूएसए में भी बैन लगने वाला था, और डोनाल्ड ट्रंप ने 45 डेज का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके अंदर बोला था कि आपके पास 45 डेज है, आप ना टिकटॉक का जो ऑपरेशन है वो यूएसए के अंदर बंद कर दो, या फिर आप अपना यूएसए का जो ऑपरेशन है ना वो आप किसी अमेरिकन कंपनी को भेज दो। जी हाँ, तो आपको इस टाइप की कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन वहां पे क्या रहता है, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे इंक्लूडिंग बात करें माइक्रोसॉफ्ट की जिसका विंडोज चलाते होंगे, वो कंपनी भी इंटरेस्टेड थी टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि वो भी जो कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट, वो सोशल मीडिया गेम में आना चाहती है और अभी तक वो रुकी हुई थी, और उसे लग रहा था कि टिकटॉक जो है वो यूएसए में उतना ही ज्यादा पॉपुलर है जैसे इंडिया में पबजी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ धोकर टिकटॉक के ऊपर पड़ी थी। और माइक्रोसॉफ्ट ये चाहती थी कि जो टिकटॉक का यूएस ऑपरेशन, कनाडा ऑपरेशन, ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशन, न्यूजीलैंड ऑपरेशन है ना, क्योंकि यहां पर भी बैन की बातें चल रही थी, इसलिए सारा जो ऑपरेशन है ना वो अपने अंदर ले ले और यहां पर वो टिकटॉक के साथ ग्रो कर जाए, क्योंकि टिकटॉक यहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और टिकटॉक को अगर माइक्रोसॉफ्ट को चली जाता इसका हाथ तो इसमें जो टिकटॉक है ना उसकी हार हो जाती। लेकिन फिलहाल आज हमें पता चलता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, बाइट डांस ने जो डील होती है माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो कंप्लीटली कैंसिल कर दी, और उन्होंने बोला कि हम ना टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट को बिल्कुल भी बेच नहीं रहे हैं। जी हाँ, ये बात हो जाती है। लेकिन इसी के एक घंटे के बाद एक और नई खबर आती है कि जो टिकटॉक है ना वो अपना एक नया ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ चुकी है, और वो है ओरेकल। अगर ओरेकल के बारे में नहीं मालूम तो ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसे लैरी इल्सन चलाते, काफी फेमस एंटरप्रेन्योर है वहां के। और खास बात यह कि ओरेकल है ना बहुत बड़ी क्लाउड डेटा को मैनेज करती है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इससे रिलेटेड काफी सारे पेटेंट्स हैं उनके पास। ओरेकल का जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि बहुत बड़ी टेक कंपनीज में से एक आती है जो कि इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती है। लेकिन एग्जैक्टली बात की जाए तो ओरेकल जो है ना उसने टिकटॉक को परचेज नहीं किया, अब जो ओरेकल है ना वो एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर बन गया है जिससे जो टिकटॉक का जो डेटा होता है, जो सर्वर हैंडलिंग होती है, जो डेटा मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीजें ओरेकल हैंडल करेगा। इसका मतलब ये होगा कि यूएसए के अंदर टिकटॉक जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, बैन देखने को ना मिले, लेकिन वहां पे जो डेटा मैनेजमेंट होता है वो सारा ओरेकल करेगी, और ओरेकल जो रहती है ना वहां के अमेरिकन यूजर्स का डेटा वहीं के वहीं उसी कंट्री के अंदर रखेगी। जी हाँ, यानी कि ओरेकल को बाइट डांस ने एक टेक्नोलॉजी पार्टनर बना दिया एज कंपेयर टू बेचना, यानी टिकटॉक को बेचने से बेटर ये था कि बाइट डांस जो है ना वो ओरेकल को अपना एक पार्टनर बना दे जिससे उसके ऊपर जो सिक्योरिटी वाले जो एलिगेशन है ना वो रिमूव हो सके। जी हाँ, और शायद से चीज है ना आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्टली क्या है कि इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट को देख के बैन लगाया गया था, लेकिन अब टिकटॉक के साथ ओरेकल आती है और ओरेकल जो इंडिया में अपने डेटा सेंटर सर्वर जो पूरा मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वाला जो पूरा काम है वो ओरेकल करती है इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी आपको जो टिकटॉक है वो अनबैन होते हुए देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये कुछ ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई 100% कंफर्मेशन नहीं कि ऐसा होगा, इस टाइप की चीजें हो सकती है। लेकिन सिर्फ इतनी इस बात काफी नहीं होंगी, टिकटॉक को है ना इस बार काफी सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को भी अप्लाई करना पड़ेगा जिससे जो फालतू का कचरा जो टिकटॉक ऐप के ऊपर फैल रहा था उसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। और ये भी देखने वाली बात होगी आखिर ये जो टिकटॉकर दोबारा से एंट्री लेती है क्या दोबारा से सक्सेसफुल हो पाती है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम रील्स है वो मार्केट में मौजूद है और लोग हैं जितने भी टिकटॉकर्स थे सब रील्स के ऊपर मूव कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली कहानी क्या रहती है, खैर ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि टिकटॉक के ऊपर तो बोला गया शायद वापस आ सकती है, शायद इस चीज का फायदा उठाकर वो इंडिया में कमबैक कर सकते हैं, लेकिन कब कमबैक करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बाइट डांस जो कि प्रॉपर चाइनीज कंपनी है उससे जो कनेक्शन होता है ना कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि अब गवर्नमेंट है वो कोई और बहाना बना के फिर से टिकटॉक को बैन कर दे या फिर टिकटॉक को अनबैन करने की परमिशन ना दे। जी हाँ, ये बातें भी हो सकती हैं। और ऐसे ही देखा जाए तो पबजी के साथ भी कहानियां चल रही थी, यानी कि पबजी मोबाइल जो है उसे टेंसेंट ओन करती है, लेकिन ओरिजिनल पबजी को ब्लू होल कंपनी ओन करती है, और ब्लू
ब्लू होल जो वो इंडिया में आज के समय में एक नया टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ रही है जिससे पबजी मोबाइल को दोबारा से रिवाइव किया जा सके और सारे चाइनीज कनेक्शंस होते हैं ना उन्हें कट किया जा सके। अब देखने वाली बात हो कि इंडिया में क्या रहता है, क्या पबजी मोबाइल वापस आता है, क्या टिकटॉक वापस आता है। हो सकता है कि टिकटॉक ओरेकल के साथ अगर करने की कमबैक करने की कोशिश कर रहा है उसे परमिशन दी ना जाए इंडिया के अंदर। और ये भी हो सकता है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में किसी इंडियन कंपनी को बेचती है, या फिर कभी हमने सुना था ना जियो टिकटॉक को खरीदने वाली है। कुछ अगर इस टाइप की चीज़ें होती है और टिकटॉकर इंडियन बन के आता, मतलब कोई से इंडियन कंपनी ओन कर देती या फिर इंडियन कंपनी के साथ कनेक्शन होता है, तो शायद इस चीज़ को ना गवर्नमेंट अनबैन कर सकती है। खैर ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के समय में अभी पबजी भी बैन हो रखा है, अभी टिकटॉक भी बैन हो रखा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या टिकटॉक अनबैन होता है, क्या पबजी अनबैन होता है। वैसे आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या आप लोगों को लगता है कि टिकटॉक कभी अनबैन होना चाहिए, पबजी कभी अनबैन होना चाहिए? वेल आपका जो भी ओपिनियन है ना मुझे नीचे कमेंट करना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।